हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा नौवीं विषय सूचना प्रौद्योगिकी आईटीएस का पेपर देखने वाले हैं जो कि आपका आज होने वाला है। तो आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा और जो आपका पेपर आएगा सौ अंक का आपका पेपर आएगा, इस प्रकार से आएगा। सबसे पहले यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनिए। पहला प्रश्न है कि एक कंप्यूटर में इसकी सहायता से जो है टेक्स्ट इनपुट डाला जा सकता है, तो कीबोर्ड द्वारा डाला जाता है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर दूसरा प्रश्न है कि संचार को प्रभावित करने वाले तत्व हैं, तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर तीसरे नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, पूर्व ज्ञान। तीसरा प्रश्न है संचार के साथ यहाँ पर इस प्रकार से सी के शामिल नहीं हैं, तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा चौथे नंबर का ऑप्शन राइट आंसर होगा, कंप्लीट। इसके बाद यहाँ पर चौथा प्रश्न है संचार का उद्देश्य क्या है, तो इसका जो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी होगा। इस प्रकार से सभी जो हैं संचार का उद्देश्य होता है। इसके बाद पाँचवा प्रश्न है पत्र के माध्यम से प्रेषक से जानकारी प्राप्त करने के लिए निम्न में से किस विधि का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा पढ़ना, इस प्रकार से 11 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर छठवां प्रश्न है आप फोन पर जानकारी कैसे प्राप्त करते हैं, तो यहाँ पर सुनकर प्राप्त करते हैं, 1 नंबर का ऑप्शन इसका उत्तर होगा। इसके बाद सातवां प्रश्न है मौखिक संचार का सही उदाहरण चुने, तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा 1 नंबर का ऑप्शन, आमने सामने की बातचीत। इसके बाद आठवां प्रश्न है गैर मौखिक संचार के प्रकार हैं, तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा 9 नंबर का ऑप्शन, उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है 8 अंक में पूछे जाएंगे, तो इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद प्रश्नांक 2 8 अंक में आपसे इस प्रकार से खाली स्थान पूछे जाएंगे। पहला है कि एक आउटपुट डिवाइस है, तो आउटपुट डिवाइस क्या होता है, मॉनिटर होता है, इसका आंसर मॉनिटर होगा। इस प्रकार से आपको विकल्प भी दिए गए हैं पीछे, तो इसका आंसर मॉनिटर होगा। इसके बाद दूसरा है एक सॉफ्टवेयर है, तो एक सॉफ्टवेयर क्या होता है, एमएस ऑफिस जो है एक सॉफ्टवेयर होता है। इसके बाद तीसरा खाली स्थान है एक ब्राउज़र है, तो गूगल क्रोम जो है एक ब्राउज़र होता है, आंसर हो जाएगा तीसरे प्रश्न का गूगल क्रोम। इसके बाद चौथा है आईटीईएस का पूरा नाम है, तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो आईटीईएस का पूरा नाम होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विस, इस प्रकार से इसका पूरा नाम होता है, तो आंसर हो जाएगा। इसके बाद पाँचवा है राइटर का एक्टेंशन है, तो यहाँ पर इसका क्या होता है, ODT होता है। इसके बाद छठवां है शिफ्ट कीज़ कीबोर्ड में कितनी की होती हैं, तो कितनी होती, जो शिफ्ट की होती है वह 2 की होती है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 2 होगा। सातवां है हेडर और फुटर टैब में उपलब्ध हैं, तो किसमें उपलब्ध होते हैं, इंसर्ट में उपलब्ध होते हैं, आंसर इसका इंसर्ट होगा। इसके बाद आठवां प्रश्न है फंक्शन कीज़ कीबोर्ड में कितनी होती हैं, जो F1 से लेके F12 तक होती हैं, कितनी होती हैं, 12 की होती हैं, तो इस प्रकार से 8 अंक में यह पूछे जाएंगे, इनको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद सही गलत बताइए, यह 6 अंक में पूछे गए हैं। पहला है आँखों से संपर्क मुद्रा आदि गैर मौखिक संचार है, तो यह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा है बोलते समय उचित स्वर व आवाज़ का प्रयोग करना चाहिए, तो यह भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तीसरा है संज्ञा किसी वस्तु व्यक्ति आदि के नाम को कहते हैं, तो यह भी सही होगा। चौथा है भूतकाल ही पास्ट टेंस है, तो यह भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पांचवा है IT अर्थात सूचना प्रौद्योगिकी है, तो यह भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। छठवां है अखबार का प्रयोग संप्रेषण की पुष्टि है, तो यह भी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद प्रश्नांक 4 में एक शब्द या एक वाक्य में प्रश्न पूछे गए हैं, 9 अंक में पूछे गए हैं कि रैम का पूरा नाम लिखिए, दूसरा है रोम का पूरा नाम लिखिए, इस प्रकार से इनके फुल फॉर्म पूछे गए हैं, तो इनको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद प्रश्नांक 4 में जो क्वेश्चन पूछा गया संचार किसे कहते हैं, 3 अंक का क्वेश्चन है। इसके बाद इस प्रकार से 3-3 अंक में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इस प्रकार से इन सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।